प्रस्तुतकर्ता नरिश, सेहत की सुनो नरिश ही चुनो। यूपी विधानसभा बजट सत्र का दूसरा दिन आज, शोक प्रस्ताव पारित कर कार्यवाही होगी स्थगित। अपना दल विधायक राहुल कोल को दी जाएगी श्रद्धांजलि। 14 दिन बाद तुर्किया सीरिया बॉर्डर पर हताए प्रांत में आया भूकंप, 3 लोगों की मौत, 200 से ज्यादा घायल। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.4। राहुल और राहत और बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री मोदी के पिता पर वादे टिप्पणी पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की बढ़ी मुश्किलें, लखनऊ के बाद वाराणसी में भी FIR। सपा प्रदेश कार्यकारिणी में होंगे बदलाव, फ्रंटल संगठनों में कई अहम बदलाव दिखेंगे। कार्यकारिणी में सदस्यों की संख्या भी बढ़ेगी, कुछ नए नामों को संगठन में मिल सकती है जगह। सिद्धार्थनगर में चर्च में धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हुए कुछ लोगों ने प्रार्थना स्थल पर तोड़फोड़ की, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। चारधाम यात्रा को लेकर सरकार की तैयारियां तेज, सीएम धामी यात्रा को लेकर आज लेंगे अहम बैठक। प्रदेश में अप्रैल से शुरू होगी चारधाम यात्रा। यूपी में 50 बेड वाले आयुष के अस्पतालों की होगी जांच, निर्माण में घटिया सामग्री के होने की मिली शिकायत, भवन की गुणवत्ता और खरीदे गए उपकरणों की होगी जांच। कानपुर देहात मामले में सीएम की ओर से गठित SIT की टीम ने लोगों के दर्ज किए बयान, सीएम योगी ने SIT से 7 दिन में मांग की है रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व सीएम और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से की मुलाकात, राज्य के विकास से संबंधित अलग अलग मुद्दों पर कोश्यारी के साथ की चर्चा। शाहजहांपुर में शराब के उत्पादन बंद होने पर भड़के कर्मचारी, ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोला, कर्मचारियों में नौकरी न जाने का डर, कंपनी के गेट पर अनिश्चितकालीन धरना। गाजीपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बड़ी लापरवाही, बिना परिजनों को बताए गर्भवती महिला को प्राइवेट अस्पताल में किया शिफ्ट, इलाज के दौरान गर्भवती महिला और बच्चे की मौत, सीएमओ ने जांच के आदेश दिए। श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाहिद का मामले में मथुरा के सिविल जज कोर्ट में हुई सुनवाई, प्रतिवादी अधीक्षक पुरातत्व विभाग आगरा ने दर्ज करवाई अपनी उपस्थिति, 3 प्रतिवादी नहीं हुए उपस्थित, 28 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। रुड़की में पटाखों के गोदाम में आग लगने से बड़ा हुआ हादसा, 4 लोगों की हुई मौत, 4 लोग गंभीर रूप से झुलसे, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू।